अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 4 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट को देखा था और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स के यूज़ को देखा था कि पाइथन के अंदर किस तरह से प्रिंट एफ स्टेटमेंट किसी भी आउटपुट को स्क्रीन पर शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज हम वेरिएबल्स का एक जो कि पाइथन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आगे भी आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि व्हाट आर वेरिएबल्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन के अंदर किस तरह से हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं अपने गिटहब रेपो के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ आपको गिटहब रेपो के ऊपर वेरिएबल्स का सेक्शन नज़र आएगा। इस वेरिएबल्स में सबसे पहले कुछ पाइथन के रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल कन्वेंशंस दिए गए हैं। अब इन कन्वेंशंस के मुताबिक आपने कोई भी वेरिएबल पाइथन के अंदर जो बनाना होता है या क्रिएट करना होता है तो आप कुछ रूल्स हैं जिनको आप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करेंगे तो उसके मुताबिक ही आपका वेरिएबल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैलिड होगा, बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका वेरिएबल तभी वैलिड होगा जब तक कि आप उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो आपका वेरिएबल इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स के रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स पाइथन में क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, जैसा कि आपको ये डिस्क्रिप्शन में नजर भी आ रहा होगा। सबसे पहला रूल है कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल है वो किसी ना किसी लेटर या अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। हमारे वेरिएबल के स्टार्ट में अंडरस्कोर भी आ सकता है, कोई अल्फाबेट भी आ सकता है, बट अ डिजिट कैन नॉट बी यूज्ड एज द स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम। हम स्टार्ट पे डिजिट नहीं लगा सकते। तो ये रूल का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, कोई भी वेरिएबल जो के स्टार्ट हो रहा है आपके अल्फाबेट से और उसके स्टार्ट पे अंडरस्कोर आ रहा है वो आपका वैलिड वेरिएबल होगा पाइथन में। इसके अलावा जो वेरिएबल्स होंगे जिसमें स्टार्ट पर डिजिट आता है वो वेरिएबल नेम्स आपके वैलिड नहीं होंगे। तो ये इसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हुई हैं वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल की। इसी तरह से सेकंड रूल है कि आपके वेरिएबल में डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर्स भी आ सकता है और आपके वेरिएबल में अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। तो वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर एज वेल, बट द स्टार्टिंग करेक्टर शुड मस्ट बी अ लेटर। वो कभी भी स्टार्टिंग करेक्टर एक हमारा डिजिट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम केस सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं कि अगर हमने कोई वेरिएबल है जो कैपिटल अल्फाबेट्स में डिक्लेयर किया, तो जहां जब हमने कैपिटल अल्फाबेट्स में डिक्लेयर किया तो हमने अपने पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल को कैपिटल अल्फाबेट्स में ही यूज करना है। अगर हमने कोई वेरिएबल स्मॉल अल्फाबेट्स में डिस्कस किया या स्मॉल जो अल्फाबेट्स है उसमें हमने डिक्लेयर किया तो उसको हमने स्मॉल अल्फाबेट्स में ही यूज करना है। हम कभी भी कैपिटल अल्फाबेट्स वाले वेरिएबल को स्मॉल अल्फाबेट्स वाले वेरिएबल के तौर पर नहीं यूज कर सकते, इससे हमारे एरर्स आती हैं। उसके बाद हमारा रूल नंबर 4 है कि हम वेरिएबल के नाम, जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम रखते हैं तो वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। हमने जो भी वेरिएबल बनाया है, जो भी वेरिएबल का नाम हमने रखा है, उसमें स्पेस अलाउ नहीं है। अगर हम कहीं स्पेस दे देते हैं तो वो वहाँ पर एरर क्रिएट कर देगा। और हमारा लास्ट रूल है दैट इज रिजर्व कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, कि कुछ हमारे पास पाइथन या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इफ है, व्हाइल है, फॉर है और हमारे पास एल्स है, एल इफ है। ये तमाम रिजर्व कीवर्ड्स जिनका स्पेशल पर्पस होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स थे। ये पहले बताना इसलिए जरूरी थे कि आप जैसे ही कोई वेरिएबल बनाएं तो इन रूल्स को आप जहन में रखें, इन रूल्स को आप मद्देनजर रखते हुए कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें। अब हम इस बात पर आते हैं कि व्हाट आर वेरिएबल्स, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारा जो प्रोग्राम होता है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमारा प्रोग्राम मेमोरी के अंदर चल रहा होता है। अब वो मेमोरी हार्डवेयर के तौर पर हम उसे रैम कह सकते हैं कि हमारा जो रैम होती है उस रैम के ऊपर हमारे सारे के सारे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और गेम्स उसके ऊपर रन हो रही होती हैं। अब कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम्स या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम जब वो मेमोरी के ऊपर रन होता है तो उस सॉफ्टवेयर को किसी ना किसी डाटा की जरूरत होती है कि ड्यूरिंग द रनिंग प्रोसेस वो सॉफ्टवेयर कोई ना कोई डाटा कंज्यूम करता है या किसी ना किसी डाटा को यूज करता है। अब वो डाटा जो कि एक सॉफ्टवेयर की रनिंग टाइम में उसको रिक्वायर्ड होता है, जो एक सॉफ्टवेयर जब रन हो रहा होता है या कोई गेम रन हो रही होती है, प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो उसके दौरान उसको जो डाटा चाहिए होता है उस डाटा को स्टोर करने के लिए
हम कुछ मेमोरी लोकेशंस बनाते हैं जिन मेमोरी लोकेशंस को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स की सिंपल डेफिनेशन है, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। कुछ ऐसी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे प्रोग्राम के कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए और हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंट वर्किंग के लिए वो मेमोरी जो यूज हो रही होती है, दैट आर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स ऐसी मेमोरी लोकेशंस होती है जिनको हमारा प्रोग्राम यूज करता है अपने रनिंग टाइम के दौरान, अपने रनिंग और प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स को हम किस तरह से पाइथन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, मेरे पास वेरिएबल्स की एक फाइल है, इसके अंदर मैं डिफरेंट हमारे पास सिंटैक्स है कि हम किस तरह से पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम वेरिएबल के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि अब वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है। अब जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो डाटा भी हमने स्टोर करना है उस डाटा की टाइप के अकॉर्डिंग हम उस कंटेनर की टाइप भी सेट करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट डाटा है जिसे हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमारा जो कंटेनर है वो भी टेक्स्ट टाइप का होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक डाटा है और हमने उसे वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमारे पास वेरिएबल कंटेनर भी न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है मैथमेटिक्स में तो उनको हमने वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो भी कम्प्लेक्स टाइप का होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई लिस्ट है, टपल्स हैं, डिक्शनरीज हैं, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो कि पाइथन में इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बनाने के लिए। तो अभी के लिए हम टेक्स्ट, न्यूमेरिक, कम्प्लेक्स, इन तीन डाटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग टाइप का डाटा यानी टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैसेज है, उसको हमने कोई वेरिएबल में स्टोर करना है तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक के लिए क्या करेंगे और कम्प्लेक्स के लिए क्या करेंगे। लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज ये कुछ एडवांस डाटा टाइप्स हैं पाइथन में जिनको हम विद अ पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर पाइथन के अंदर एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पाइथन के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो कोई भी वेरिएबल हमें बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर, हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसकी टाइप बतानी पड़ती थी कि उसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। इंटीजर है तो हम बताते थे कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम बताते थे कि हमारे पास ये स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल होगा जिसमें डाटा स्टोर होगा। तो पाइथन ने हमें ये काम हमारे लिए बहुत आसान कर दिया कि पाइथन हमारे पास जितने भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन है उनकी टाइप ऑटोमेटिकली पाइथन अंडरस्टैंड कर लेता है। हमें किसी पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल की टाइप बताने की जरूरत नहीं है कि वो वेरिएबल की टाइप क्या होगी, उसमें किस तरह का डाटा स्टोर होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेमिंग कन्वेंशन रूल्स जो कि वेरिएबल में अभी हमने पढ़े थे, उसके मुताबिक वेरिएबल का नाम लिखेंगे और इक्वल टू डाल के वेरिएबल की वैल्यू लिख देंगे, वो वैल्यू डायरेक्ट जाके उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी ये सोचने में कि इस वेरिएबल की टाइप हमें क्या डिक्लेयर करनी चाहिए जो ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसे अपने हैंड पे, अपने एंड के ऊपर ही उस सारी चीजों को डील कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पर पाइचार्म में आपके सामने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने नेम का एक वेरिएबल बनाया। अब ये जो नेम का वेरिएबल मैंने आपके सामने बनाया दैट इज अ वैलिड वेरिएबल बिकॉज इसके ऊपर सारे रूल्स, नेमिंग कन्वेंशन फुलफिल हो रहे हैं, ना इसमें स्पेस आ रही है, ना ये स्टार्टिंग से कोई डिजिट से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, स्टार्ट भी अल्फाबेट से हो रहा है। तो इसके अंदर मैंने एक वैल्यू रखी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना नाम स्टोर करवा देता हूँ, दैट इज कामरान खान, ये मैंने इसके अंदर एक नाम स्टोर कर दिया। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट डाटा है जो कि इस वेरिएबल ने अपने पास स्टोर कर लिया। इसी तरह से मेरे पास कोई वेरिएबल है, लेट्स सपोज एज की बात करते हैं, ये मेरे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं न्यूमेरिक डाटा स्टोर करवाता हूँ तो मैं इसके अंदर कुछ भी स्टोर करवाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया 13। तो अब ये मेरे पास जो एक वैल्यू है ये वैल्यू इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। देन फिर आगे मैं कोई और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया HEIGST हाइट, तो यहाँ ये मैंने डिक्लेयर कर लिया कि एक वेरिएबल दैट इज हाइट का वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया दैट इज 5.4। ठीक है, अब ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है जो कि ये मेरे पास हाइट जो है ऑटोमेटिकली एक फ्लोट वेरिएबल बन गया और इस फ्लोट वेरिएबल के अंदर ये जो एक पॉइंट वाली, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है ये जाकर स्टोर हो गई। ठीक है, अब इनको मैं
इसी तरह से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स सपोज कॉम के नाम से, और इसके अंदर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह से मैथ में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे, तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो हम इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं। अब कैसे स्टोर करवाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ये मैथ में पढ़ा होगा कि हम अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 अयोटा, तो उससे हम जब लिखेंगे पाइथन के अंदर तो हम इस तरह से लिखेंगे 2+3, और अयोटा के लिए मैं स्मॉल जे का इस्तेमाल करूंगा। स्मॉल जे ये पाइथन के अंदर अयोटा के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए, एक के अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर स्टोर है, एक के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर है, एक के अंदर एक इंटीजर स्टोर है, और एक के अंदर एक टेक्स्ट स्टोर है। अब मैं इन सारे वेरिएबल्स को बारी बारी प्रिंट कर सकता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल लिखूंगा प्रिंट स्टेटमेंट। अब प्रिंट स्टेटमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से इस्तेमाल होती है। इसके अंदर हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा के कोई भी एक टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं जो हम चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर लिखता हूँ कि माई नेम इज, ये मैंने एक टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर लिखा, और इसके बाद मैंने कॉलन लगाया, और कॉलन के बाद ये स्ट्रिंग के बाहर मैंने कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिख दिया, लेट्स सपोज नेम। ये मेरे पास वेरिएबल है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर ये जो माई नेम इज है, दैट इज अ टेक्स्ट मैसेज, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, वो एज इट इज ऐसी स्क्रीन पे आता है। तो ये चीज एज इट इज ऐसी स्क्रीन पे आएगी। इसके बाद मैंने जब कॉमा लगा के यहाँ पर लिखा नेम, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जब हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अलावा कोई चीज लिखते हैं, यानी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बाहर कोई चीज लिखते हैं, तो वो एक वेरिएबल कंसीडर की जाती है, वो एक वैल्यू कंसीडर की जाती है, और वो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट होके आती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है नेम, तो नेम एक वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा, और इसके मेमोरी में जो वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट होके आएगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 2 लिख देता, तो अब ये 2 भी एक वैल्यू कंसिडर की जाती है, और ये 2 स्क्रीन के ऊपर आना था। तो हम जब भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो अगर तो वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अलावा है, तो उसे एक वैल्यू कंसिडर किया जाएगा, और या उसे एक वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा उसकी वैल्यू आएगी, या उसे एक वैल्यू कंसिडर किया जाएगा तो वो वैल्यू एज इट इज आएगी। न्यूमेरिक वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, या कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती है, वो एज इट इज स्क्रीन पे आएगी। तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स सिर्फ ये मैसेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रिंग के लिए, प्रिंट स्टेटमेंट में इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाहर जो चीजें हैं वो एक नॉर्मली वेरिएबल कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। और ये चीज है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर सिंपली नेम लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स सपोज प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पर लिखा दैट्स माई एज इज, और मैंने इसको क्लोज किया, और यहाँ पर कोमा डाल के मैंने यहाँ पर एज का एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है। देन फिर उसके बाद मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट हाइट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइट इज, और उसके बाद मैंने यहाँ पर हाइट का ये जो वेरिएबल है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये मेरे पास 3 वेरिएबल्स हो गए। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो रन करने के बाद जैसे ही मेरे पास इसकी आउटपुट आएगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस आउटपुट में माई नेम इज, ये टेक्स्ट एज इट इज ऐसे ही आ गया, और उसके बाद आगे नेम के वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो आ गई। देन फिर उसके बाद एज, उसके बाद एज के वेरिएबल की वैल्यू है, देन हाइट और उसके वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट वेरिएबल को हम डिफरेंट तरह से स्टोर कर सकते हैं, और इनको हम यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज द टाइप स्टेटमेंट। टाइप स्टेटमेंट क्या होती है? पाइथन में ऑटोमेटिकली जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी टाइप मैनेज हो रही होती है, लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल की टाइप देखना चाहते हैं कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर है, तो उसके लिए पाइथन के अंदर एक टाइप फंक्शन होता है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल की टाइप को देखने के लिए। अब वो टाइप फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये बेसिकली पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर टाइप, और टाइप के आगे मैं लिख दूंगा उस वेरिएबल का नाम जिसकी मैं टाइप देखना चाहता हूँ। तो मैं अभी फिलहाल इसके आगे नेम लिख देता हूँ। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे लास्ट पे मेरे पास जो एक आउटपुट आएगा, इस आउटपुट में एक वेरिएबल की टाइप मेरे पास इस तरह से आ रही होगी, दैट्स क्लास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कि ये जो नेम है इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डाटा हमारे पास स्टोर है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, देन फ्लोट, एंड देन कॉम्प्लेक्स। तो इनको हम आज डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये वेरिएबल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इसके GitHub का, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी ना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए,
यानी जब हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के ऊपर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हो, तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए, हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं दो वैल्यूज का कंपैरिजन करवाने के लिए, हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं कंडीशंस को जोड़ने के लिए, कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो तमाम ऑपरेटर्स जो कि पाइथन के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जितने भी मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ऑपरेटर्स कहते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताता हूं कि लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें एक वैल्यू 10 रख दी, पीक वेरिएबल बनाया उसमें वैल्यू 23 रख दी। अब मैं यहाँ पर मेरे पास मैंने ए प्लस बी प्रिंट ए प्लस बी लिखा, तो ये प्लस जो है दैट इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। मैथमेटिक्स में भी यही यूज होता है, पाइथन में भी प्लस के लिए एडिशन के लिए प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये मेरे पास एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि क्या करेगा, ए और बी इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके मुझे आंसर कर देगा। तो मैं सबसे पहले इस कोड को कॉपी करके अपने पाईचार्म पर ले आता हूँ और उसके बाद आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास कोड है और मैं यहाँ पर इस कोड को ले आता हूँ और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये जो आंसर है दैट इज 33। ठीक है, तो 10 और 23 को ऐड करके इसने 33 आंसर कर दिया। इसी तरह से ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, अगर हमने माइनस करना है पाइथन के अंदर तो हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स को माइनस करना है तो सिंपली माइनस का हम ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर हमने मल्टीप्लाई करना है दो वैल्यूज को तो मल्टीप्लाई के लिए मैथ में क्रॉस का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, जबकि पाइथन के अंदर इस्तेमाल होता है दैट इज स्टेरिक। तो पाइथन के अंदर जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम स्टेरिक का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से डिवाइड के लिए मैथ में कोई और ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, लेकिन पाइथन में या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्लैश का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश हमेशा डिवाइड के लिए पाइथन के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारे पास मॉडुलस, जो मैथ के अंदर मॉडुलस होता है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं कि दो नंबर्स को डिवाइड करके जो रिमाइंडर नीचे बच रहा होता है 0, 1 या 2 उसको आंसर करे। तो अगर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर दो नंबर्स को डिवाइड करके उनका रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास परसेंटेज साइन का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ये दो नंबर्स को डिवाइड करके लास्ट पर बताता है कि इसका रिमाइंडर क्या निकल रहा है। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट ऑपरेटर दैट इज इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का काम ये होता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आता है, डिवाइजर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। लेट्स सपोज ये मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं अगर इसको यहाँ पर ले आता हूँ अपने पाइथन की कोडिंग में, और तो मैंने यहाँ पर लिखा है ए डिवाइड बाय बी, तो मैं ए की वैल्यू कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ए की वैल्यू 23 कर दी और बी की वैल्यू मैंने 10 कर दी। अब जब 10 को मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो 10 टू जर 20 और 23 माइनस 20 तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए डिवीजन को पॉइंट लगा के 0 लगाया जाएगा 3 के आगे, तो 10 3 जर 30, तो मेरे पास अगर ओवरऑल आंसर आएगा तो ये 10 को 23 से डिवाइड करने से अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करता हूँ तो कैलकुलेटर पे ओवरऑल आंसर आएगा 2.3। अब 2.3 मेरे पास ओवरऑल आंसर है जो कि 23 को 10 से डिवाइड करने से आया है। लेकिन ये जो इंटीजर डिवीजन है डबल स्लैश, ये क्या करेगा, ये 2.3 को कन्वर्ट कर देगा 2 के अंदर। ये पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो नेगलेक्ट कर देगा, उसे इग्नोर कर देगा और पॉइंट से पहले वाला जो इंटीजर पार्ट है वो हमें रिटर्न करेगा। तो अब मैं जब इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास 2.3 आने की बजाय ये मेरे पास 2 आया। और अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह डिवाइड कर रहा होता तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे लिखता ए डिवाइड बाय बी, तो इस केस में मेरे पास पूरे का पूरा 22.3 आना था, क्योंकि ये वाला जो ऑपरेटर है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो ऑपरेटर है डिवाइड, ये हमारे पास पूरी की पूरी डिवीजन दे रहा होता है, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट में हो चाहे वो इंटीजर में हो। जबकि डबल स्लैश ये क्या करता है, ये हमें कोई भी हमारे पास जो डिवीजन का आंसर होता है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसके अंदर से डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट इग्नोर कर देता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर से पाइथन के अंदर। उसके बाद हम आगे अपने ऑपरेटर्स को देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास और भी डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स हैं जो कि आपने मैथ में पढ़े होंगे, दैट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो नंबर्स का कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब दो नंबर्स का कंपैरिजन किस किस तरह से हो सकता है, दो नंबर्स एक नंबर दूसरे नंबर से
लार्ज हो सकता है, एक नंबर दूसरे नंबर से स्मॉल हो सकता है, या एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल हो सकता है, या एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये चार तरह के कंपैरिजंस हैं जो कि दो नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए जिस तरह से मैथ में आपने डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वही ऑपरेटर्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, इन दो वेरिएबल्स के अंदर मैंने कंपैरिजन करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए ग्रेटर देन बी, सेम मैथ की तरह। अब ये मेरे पास ये वाले जो मैंने यहाँ पर कंपैरिजन लगाया, इसका आंसर या तो मुझे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। मेरे पास मैंने कहा ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी बी से, और अगर आप देखें तो ए की वैल्यू 23 क्या बी की 10 है, तो वाकई ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से, तो मेरे पास ये जो आंसर आएगा दैट विल बी ट्रू, ये आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए लेस देन बी, तो ये आप इसका जो हमारे पास आंसर आएगा ये क्या आना चाहिए, जी बिल्कुल फॉल्स, तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि ए 23 जो है वो कभी भी 10 से हमारा छोटा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, मैं लेस देन इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकता हूँ या मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मैथ में आपने पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कि किस तरह से ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा एक ऑपरेटर है दैट इज इक्वल टू के, अगर मैंने कंपेयर करना हो कि ए और बी की वैल्यू इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए मैं डबल इक्वल का इस्तेमाल करूंगा। डबल इक्वल एक ऑपरेटर, एक सिंगल इक्वल ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक है हमारे पास डबल इक्वल ऑपरेटर दैट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि चेक करता है कि दो वैल्यूज बराबर है या नहीं, तो ये ट्रू और फॉल्स की केस में आंसर करता है कि अगर मेरे पास दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो ये ट्रू आंसर करेगा, अगर दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है तो मेरे पास फॉल्स आंसर करेगा। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर हैं। इसके अलावा एक लास्ट ऑपरेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू, उसको हम पाइथन में इस तरह से यूज करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आगे हम इक्वल टू लगा देंगे। अब ये भी मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर करेगा, तो ये आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या आंसर किया है, दैट इज ट्रू। तो आप देख सकते हैं ट्रू का मतलब कि मैंने यहाँ पर कहा ए इज नॉट इक्वल टू बी, के और बी इक्वल नहीं है, और बाकी ए और 23 और 10 ये कभी भी इक्वल नहीं होते, तो इसने मुझे ट्रू आंसर किया। तो नॉट इक्वल के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करके उसके बाद इक्वल का साइन यूज करते हैं। तो ये तो हो गए पाइथन के अंदर डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स, जिनमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देख लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी देख लिए। अब उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, फिजिक्स में आपने गेट्स का नाम सुना होगा, फिजिक्स में आपने एंड गेट्स पढ़े होंगे, और गेट्स पढ़े होंगे, नॉट गेट्स पढ़े होंगे, इसी तरह आपने नैंड गेट पढ़ा होगा, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉट, ये डिफरेंट तरह के गेट्स पढ़े होंगे। अब फिजिक्स में जो गेट्स आपने पढ़े हैं उसकी हम डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन उसमें से जो चीजें हमारे पास पाइथन के अंदर यूज होती हैं हम उन चीजों को देखते हैं। पाइथन में हमारे पास एंड इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल होता है, और नॉट इस्तेमाल होता है, ये तीन चीजें हमारे पास पाइथन में इस्तेमाल होती हैं। अब जिस तरह से आपने फिजिक्स के अंदर एंड गेट पढ़ा था, वो एंड गेट क्या करता था कि किसी भी सर्किट के अंदर हमारे पास जितने भी सर्किट्स हैं उनके अंदर जितने भी स्विच लगे हैं, अगर तमाम स्विच ऑन होते थे तो फिर एंड गेट का जो आंसर है वो ऑन आता था, और अगर कोई एक स्विच भी ऑफ हो जाए तो एंड गेट जो है उसका आंसर ऑफ आ जाता था। यहाँ पर सेम इसी तरह से ही है कि हमारे पास यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर होता है, इस एंड ऑपरेटर से जब हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, अब मल्टीपल कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एक ए इज नॉट इक्वल टू बी या ए ग्रेटर देन बी जो हमने लिखे थे अभी डिफरेंट, ये सारे के सारे डिफरेंट कंपैरिजंस ही हैं। तो ये सारे के सारे डिफरेंट जो कंपैरिजंस हैं, इन कंपैरिजंस को कंबाइन करके एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या करते हैं, एक कंबाइंड आंसर हमें बनाकर देते हैं। अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि जितनी भी कंडीशन है सबको कंबाइन करेगा, अगर तो सारी कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से और ऑपरेटर क्या करेगा, वो तमाम कंडीशंस को कंबाइन करेगा, और उसमें से अगर एक कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो जाती है तो वो आंसर ट्रू कर देगा, और फॉल्स उस टाइम करेगा जब हमारे पास सारे के सारे कंडीशंस फॉल्स होंगी। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी हमारे पास फॉल्स कंडीशन है उसको ट्रू कर देगा, और ट्रू कंडीशंस को फॉल्स कर देगा, यानी किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो अब इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर की एग्जांपल ली है, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कोड में लाके। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर देन 5 एंड बी लेस देन 20। तो अब मेरे पास जो ए की वैल्यू है दैट इज 23,
या मैं ए को वही 10 वैल्यू दे देता हूँ, बी को 23 जो कि मेरे पास पुरानी वैल्यूज थी। अब आप देखें कि ए ग्रेटर देन 5, क्या 10 5 से बड़ा होता है? जी, इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बी ग्रेटर देन 20 23 20 से बड़ा है, इसका आंसर भी ट्रू है। तो जब एंड इन दोनों को कंबाइन करेगा तो दोनों ट्रू हैं, क्योंकि सारे ट्रू हैं तो इसलिए एंड क्या करेगा, हमें ट्रू आंसर करेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये मेरे पास ट्रू है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्या करता हूँ कि एक कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस तरह से कह देता हूँ कि बी लेस देन 20, के 23 जो है वो 20 से छोटा है, तो एक कंडीशन फॉल्स होगी, दूसरी वाली बेशक ट्रू है, जो पहली वाली बेशक ट्रू है, दूसरी वाली मैंने फॉल्स कर दी, तो एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, पूरे के पूरे आंसर को हमारे पास फॉल्स कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर और लगा देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने और लगा दिया, तो जैसे ही मैंने और लगाया तो आप देख सकते हैं कि और क्या करता है कि और देखता है कि सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो पूरे के पूरे आंसर को ट्रू कर देगा। तो मेरे पास फर्स्ट वाली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन सेकंड वाली फॉल्स है, तो और ने क्या करना है, फर्स्ट वाली उसे ट्रू मिल गई तो इसने क्या करना है, मेरे पास एक ट्रू आंसर जनरेट करना है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर और ने मेरे पास एक ट्रू आंसर जनरेट कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, ये वाली जो मेरी है, और मैं इसमें यहाँ पर कहता हूँ कि ग्रेटर देन 5 की बजाय मैं यहाँ पर लेस देन 5 कर देता हूँ कि 10 लेस देन 5, अब मेरे पास ये भी फॉल्स होगी ये भी फॉल्स होगी, तो अब दोनों फॉल्स हैं। इस केस में और ऑपरेटर फॉल्स आंसर रिटर्न करेगा क्योंकि वो कहेगा कि मेरे पास एक भी कंडीशन मुझे ऐसी नहीं मिली जो कि ट्रू थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में मेरे पास फॉल्स आ रहा है। तो ये तो हो गया एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है और ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। अब उसके बाद एक लास्ट ऑपरेटर पे आते हैं, दैट इज नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, वो किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक कंडीशन है, इसी कंडीशन को ले लेते हैं, लेट्स सपोज ए ग्रेटर देन 5, तो इस कंडीशन का जो आंसर है ये ट्रू हमारे पास आएगा। उसकी वजह ये है कि वाकई ए की वैल्यू 10 है और 10 5 से बड़ा होता है, तो लिहाजा हमारे पास ये आंसर, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आंसर आउटपुट में ट्रू आया। अच्छा, अब मैं अगर इसके स्टार्ट पे नॉट लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉट, अब नॉट क्या करेगा, इसके ट्रू वाले आंसर को फॉल्स कर देगा, यानी इसके रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मेरे पास ट्रू आंसर आ रहा था, अब मेरे पास इसका आंसर फॉल्स आ गया। तो ये तीन तरह के ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिए, एंड ऑपरेटर जब दो कंडीशन को कंबाइन करता है तो दोनों ट्रू हो तो ट्रू आंसर करता है, या मल्टीपल कंडीशन को जब कंबाइन करता है तो जब सारे के सारे ट्रू हो तो ट्रू आंसर करता है, और अगर एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आंसर करता है, और ऑपरेटर जब भी कंबाइन करता है तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो सारे का सारा आंसर ट्रू कर देता है, और फॉल्स तब करता है जब सारे के सारे फॉल्स हों, और नॉट ऑपरेटर किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद एक लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है, दैट इज कंकैटिनेशन ऑपरेटर। मैं यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल पहले कॉपी कर लेता हूँ अपने कोड से, एंड देन फिर मैं इसको आपके सामने पाई चार्ट पर रन करके दिखाता हूँ, और उसी के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये टू वैल्यूज हैं, नेम 1 और नेम 2, इन दोनों के अंदर मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, क्या जब भी टेक्स्ट के ऊपर, स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर जब भी मैं प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, तो क्या प्लस का ऑपरेशन या एडिशन का ऑपरेशन किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर परफॉर्म होना चाहिए? यकीनन आप कहेंगे नहीं, क्योंकि एडिशन जो है वो हमारे पास बना ही नंबर्स के लिए, एडिशन होता ही नंबर्स के दरमियान है, कभी भी एडिशन किसी अल्फाबेट्स या किसी टेक्स के दरमियान नहीं हो सकता। ए प्लस बी, इसका आंसर कभी भी सी नहीं होगा या डी नहीं होगा, क्योंकि प्लस का जो ऑपरेशन है ये बना ही नंबर्स के लिए है, होता ही अप्लाई नंबर्स पे है। तो जब मैं, मेरे पास अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यूज है, लेट्स सपोज मेरे पास ये टेक्स है और ये टेक्स है, तो ये दो वैल्यूज है नेम 1 और नेम 2, इनके अंदर स्ट्रिंग डाटा स्टोर है। जब मैं इसके दरमियान प्लस का ऑपरेटर लगाता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो प्लस का एक ऑपरेटर, उसके अंदर ये एक एक्सेप्शन केस है उसका, कि प्लस का ऑपरेटर जब भी हम दो नंबर्स के दरमियान लगाते हैं, न्यूमेरिक डाटा के दरमियान यूज करते हैं, तो वहां पर तो वो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जब हम प्लस का ऑपरेटर्स दो स्ट्रिंग्स के दरमियान इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहां पर वो उन स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देता है। कंकैटिनेशन मींस उनको आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देता है, जोड़ देता है। तो जब मैं इसका रिजल्ट आपके सामने दिखाऊंगा, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो मेरे पास दोनों टेक्स्ट वैल्यूज हैं, एक मेरे फर्स्ट नेम है कामरान और एक सेकेंड नेम है खान, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई हैं, कंकैटिनेट हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद हम अपना लास्ट ऑपरेटर देखते हैं, दैट इज द लास्ट ऑपरेटर इज कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है, कि
जैसे कि हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात की, अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास एक ऑपरेटर होता था प्लस। प्लस ऑपरेटर क्या करता था, नंबर्स के ऊपर जब अप्लाई करते थे तो वो नंबर्स का एडिशन कर देता था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जब हम उस प्लस ऑपरेटर को किसी भी टेक्स्ट वैल्यूज के दरमियान या किसी भी स्ट्रिंग वैल्यूज के दरमियान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, उन स्ट्रिंग वैल्यूज को कंकैटिनेट कर रहा होता है। यानी कंकैटिनेट का मतलब कि उनको आपस में एक दूसरे से ज्वाइन कर देता है, एक दूसरे के करीब ले आता है। तो ये प्लस का ऑपरेटर ही काम करता है। तो मेरे पास ये यहाँ पर स्लाइड्स में एग्जाम्पल है, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल आपके सामने पाई चार्म पे ले आता हूँ कॉपी करके। तो मैं इसको यहाँ पर पाई चार्म में ले आया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, नेम वन और नेम टू, और मैंने इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान नेम वन प्लस नेम टू लिख दिया। तो ये मेरे पास कभी भी इस तरह वैलिड रिजल्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्लस हमेशा एडिशन का जो ऑपरेशन है वो हमेशा नंबर्स के दरमियान परफॉर्म होता है, वो कभी भी अल्फाबेट्स के दरमियान परफॉर्म नहीं होता। यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसका जवाब कभी नहीं होगा, ना ही इसका जवाब डी होगा। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो सकता है, लेकिन a प्लस बी इज इक्वल टू सी नहीं हो सकता। तो जब भी हमारे पास टेक्स्ट वैल्यूज हो या स्ट्रिंग डाटा हो, तो स्ट्रिंग डाटा के ऊपर जब भी हम प्लस का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो वो उन्हें एडिशन तो नहीं करता और ना ही वो कर सकता है, बल्कि वो उनको कंकैटिनेट कर देता है, वो दोनों वैल्यूज को आपस में मर्ज कर देता है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए मेरे पास जो आउटपुट आया है वो किस तरह से आया है, कि मेरे पास जो दोनों वैल्यूज हैं, एक तो मेरा फर्स्ट नेम है कामरान, एक मेरा सेकंड नेम है खान, इन दोनों वैल्यूज को उसने कंकैटिनेट कर दिया, दोनों टेक्स्ट वैल्यूज को ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर का काम करता है। प्लस दो तरह से काम करता है, न्यूमेरिक के दरमियान एडिशन का काम करता है, और मेरे पास टेक्स्ट और स्ट्रिंग वैल्यूज के दरमियान ये कंकैटिनेशन का काम करता है। इसी तरह अगर मैं माइनस इस्तेमाल करूंगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये इस तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल करूंगा, तो ये ऑपरेटर्स कतन मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज के दरमियान इस्तेमाल नहीं होंगे। सिर्फ ये प्लस ऑपरेटर का एक एक्सेप्शन केस है कि वो नंबर्स पे भी यूज हो जाता है और स्ट्रिंग्स पर भी यूज होता है, लेकिन दो डिफरेंट तरीकों से यूज होता है। तो यहाँ तक तो हमारे ऑपरेटर्स थे, और इसी के साथ ही हमारा ऑपरेटर्स के बाद जो हमारा ये वाला ऑपरेटर है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये क्या चीज होती है कि जब हमने मैथ के अंदर एक्सपोनेंट यूज करना होता है, किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंट लेना होता है, एक्सपोनेंट मींस किसी भी वैल्यूज की पावर लेनी होती है, तो उसके लिए हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जैसे मैथ में हम पावर ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर के थ्रू किसी भी वैल्यू की पावर ले सकते हैं। अब वो हम किस तरह से लेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2 और मैंने x की पावर 3 इसको कैलकुलेट करना है। तो x की पावर 3 कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्रामिंग में मैं इस तरह से करूंगा कि x वेरिएबल का नाम लिखूंगा, देन आगे डबल स्टैटिक इस्तेमाल करूंगा। ये जो डबल स्टैटिक है मेरे पास, ये डबल स्टैटिक इस चीज का काम करेगा कि ये डबल स्टैटिक के बाद आने वाले नंबर को इस x की पावर बना देगा। जैसे मैथ में किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी होती है, उसके सुपरस्क्रिप्ट में छोटा सा पावर करके लिखा होता है, तो वो पावर का काम ये हमारे पास डबल स्टैटिक का ऑपरेटर कर रहा है। तो x की पावर 3, तो x की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 3 मेरे पास जो आंसर है वो 8 आएगा। तो इसको मैं रन करके चेक भी कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो आंसर है ये 8 ही आया। तो ये था हमारा लास्ट ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को ऑपरेटर्स की समझ आई होगी। हमने यहाँ पर आज की क्लास में वेरिएबल्स को डिस्कस किया, वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं उनको डिस्कस किया, वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और फिर हमने लास्ट पे डिस्कस किया कि हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर और एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो होपफुली आज की क्लास में आप लोग इंजॉय किया होगा और आपको भरपूर समझ भी आएगी इंशाल्लाह। बाकी के जो हमारे लेक्चर्स हैं, टाइप कास्टिंग, एडवांस्ड डेटा टाइप्स, वो हम क्लास 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।